एक कागज लीजिए और एक ऐसी चीज से उस कागज पे खतखती कीजिए जो मिटने की सलाहियत न रखती हो, फिर उस कागज पे जगह ही नहीं बचेगी, तुम उस पे कुछ लिखो। फरमाया इसीलिए एहतियात किया करो, जो लिख रहे हो वो लिखो जिससे तुम्हारी रूह को बका मिले। और अगला जुमला मौला का बहुत खतरनाक, फरमाते हैं मोमिन जो भी गुनाह करते हो अगर तौबा कर भी लो लेकिन उसका असर तो बाकी रहता है ना, शैतान उसी असर को मिसयूज करता। कैसे? मसलन मैं गाफिल था, मैंने 15-16 साल की जवानी में गंदी फिल्म देखी, गंदी मूवी देखी, गंदा काम किया, अब मैं हुसैन की मजलिस में आया, मैंने हुर का वाकया सुना, मैंने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सुना, मैंने जनाब सुहैद का वाकया सुना, मेरे अंदर तौबा का जज्बा पैदा हुआ, मैंने परवरदिगारा आज के बाद मैं निगाह हराम में मुब्तला नहीं हूँगा। लेकिन फरमाया तूने तौबा तो कर ली लेकिन वो जो तुमने देखा है जब तक जिंदा हो तेरे जहन में बाकी रहेगा, वो गुनाह मिटने वाला नहीं है। अब एक मरतबा नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हो, जब शैतान चाहेगा वो मंजर तेरे सामने लाएगा, तुम्हारी रूहानियत को खराब कर देगा। इसीलिए फरमाया जवान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आंखों से अपने जहन में गंदी चीजें मत डाला करो, वो डालो जो हुसैन इब्ने अली ने कहा, इससे दुनिया में भी सुकून मिलेगा आखिरत में भी सुकून मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाऊ। तो ये विलायत अमली का मैदान है, एक तरफ शैतानी कुव्वतें अपना काम कर रही हैं, लोगों को जहन्नम की तरफ ढकेल रही हैं, एक तरफ मिंबर हुसैनी की जिम्मेदारी है कि लोगों को हुसैन इब्ने अली की जन्नत के अंदर लेकर आ जाए, जितना हो सके ये हुसैनी काफिला बढ़ता जाए, ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, तौबा का जज्बा, इबादत का जज्बा। इस मजलिस में हर शख्स को बैठा है, अगर सारे अशख़ास नमाज शब के पाबंद हो जाएं, तो फिर आप देखेंगे आपके घरों पर कैसी कैसी नेमतें नाजिल होती हैं, दिलों को करबला ले जाने हैं। और सलाम करें आका हुसैन की गुरबत कि फरमाया बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में याद कर। क्या हुसैन को ज़रूरत है कि सैयदा ज़ैनब उनको याद करें? ये हमें पैगाम है। और इमाम सजाद फरमाते हैं कि जिंदा शाम की आधी रात का वक्त है, वो भी अम्मा उठती हैं और वज़ू करती हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो बीवी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अल्लाह जाने जालिम ने कितने ताज़ियाने मनाए, कभी भी बैठ के नमाज शब पढ़ रही है। सैयद सज्जाद ने कहा पुती अम्मा जो बीबी शरीयत से वाकिफ हो यकीनन कोई तकलीफ है तभी तो बैठ के पढ़ रही है। फरमाया पुती अम्मा ऐसी क्या तकलीफ है कि बैठ के नमाज पढ़ रही? फरमाया सैयद सज्जाद मेरे लाल जिंदा में खाना बहुत